प्यारे दोस्तों, पहले वीडियो में हमने पाइनएप्पल के क्राउन को नर्सरी तैयार करने के लिए 6 से 7 दिनों तक पानी में रखने के बाद प्लास्टिक के बैग व गमले में लगाए थे, जो 2 माह के बाद उसमें नए सकर्स निकल आए हैं। पहले वाला पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, कृपया आप देख सकते हैं। पाइनएप्पल को कई प्रकार से थोड़ी सी सावधानी के साथ आसानी से हम गमले में लगा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने पाइनएप्पल के क्राउन को जो प्लास्टिक बैग में लगाए थे, यह इसका शक्कर है जिसे हमें रिपोर्टिंग करना है। यह दूसरा क्राउन है जिसे हम गमले में लगाए थे, इसमें जगह अधिक मिलने के कारण 3 शक्कर्स आए हैं। तो दोस्तों, इन्हें अब हम बड़े गमले में रिपोर्टिंग करेंगे। साथ में मैं पाइनएप्पल को गमले में उगाने के लिए अन्य आवश्यक बातें भी बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक कृपया देखते रहिए। पहले प्लास्टिक बैग के मदर प्लांट से शक्कर को अलग कर लेते हैं। यह मदर प्लांट है जिसके पत्तियों को हम अलग कर देंगे। अब इसे हम गमले में पूर्ववत आसानी से लगा देंगे। इस प्रकार चारों तरफ अच्छे से दबाकर पानी डाल देंगे। पौधा लगाने के पहले भी पानी डालकर मिट्टी नरम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पौधे में मदर प्लांट साइड से लगा हुआ है, इस कारण बाद में भी पानी डाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यह दूसरा क्राउन जो गमले में है, इसमें 3 शक्कर्स निकले हैं। इन्हें गमले से निकाल कर अलग कर लेते हैं। सबसे पहले मदर प्लांट के पत्तियों को निकाल कर अलग कर लेंगे। फिर शक्कर्स को एक एक कर सावधानी से अलग करेंगे। मदर प्लांट को तोड़कर अलग नहीं करना है। चाकू की मदद से सावधानी से
बीचों बीच काट कर अलग करेंगे ताकि दोनों पौधों को बराबर मदर प्लांट का सपोर्ट मिलता रहे। अब इसे गमले में रीपोट करेंगे। ऊपर से गीली मिट्टी या गोबर खाद डालकर चारों तरफ अच्छे से दबाकर इसमें पानी डालेंगे। दूसरे पौधे को भी इसी प्रकार अलग गमले में लगा लेंगे। जिसको भी गार्डनिंग के बारे में थोड़ी सी भी अनुभव है वो आसानी से पाइनएप्पल घर के किचन गार्डन या टेरेस गार्डन में गमले में उगा सकते हैं, क्योंकि यह कांटेदार पौधा है, बहुत ही लो मेंटेनेंस है, थोड़े से पानी व कम मिट्टी में आसानी से सर्वाइव कर जाता है। अधिक पानी से यह खराब हो जाता है, इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं एवं पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पौधे को रिपोटिंग करने के बाद 15 से 20 दिनों तक सेमी शेडेड एरिया में रखना है। इसके बाद पर्याप्त धूप या सनलाइट वाले एरिया में रखना है। महीने में 2 बार पानी डालें, आपका पौधा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। प्यारे दोस्तों, बहुत कुछ जानकारी पहले वीडियो में दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर अवश्य देखें। इस प्रकार तीसरे पौधे को भी हम गमले में रिपोटिंग कर लेंगे। दोस्तों, पाइनएप्पल में जल्दी फ्रूट प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए हम ओनियन पील्स मिक्सचर का उपयोग कर सकते हैं। ओनियन पील्स मिक्सचर बनाने के लिए प्याज के छिलके, 5-6 चम्मच चाय की पत्ती, 3-4 अंडों के छिलके को मिलाकर मिक्सचर में पीस लें और उसके चूर्ण को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की पूर्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। नए व्यूअर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं मेरे YouTube परिवार के पुराने सदस्य कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।